नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंपल फार्मेसी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नई मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों टर्बिना फाइन क्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको उपयोग करना चाहिए, कितने दिनों तक इस क्रीम का उपयोग करना चाहिए ताकि आपका जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो ठीक हो सके। दोस्तों क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं और कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। दोस्तों मायसेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं रजिस्टर फार्मासिस्ट हूं, मैं इस चैनल पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों अगर हम इस क्रीम की बात करें टर्बिना फाइन, तो दोस्तों ये मेडिसिन का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मूल नेम है, केमिकल नेम है, लेकिन ये आपको मार्केट में कुछ ब्रांड नेमों से मिलती है। दोस्तों जैसे कि टर्बिना फोर्स क्रीम के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल है, जिसको दोस्तों मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। और दोस्तों ये मार्केट में आपको तकरीबन 66 रुपए की 10 ग्राम की ट्यूब किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें कि किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, वैसे तो हम इस वीडियो में सिर्फ क्रीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको इसके अदर जैसे कि टैबलेट है या फिर लोशन है, उस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं अलग से उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये आपको मार्केट में टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाती है, क्रीम फॉर्म में भी मिलेगी, लोशन फॉर्म में भी आती है और पाउडर फॉर्म में भी ये मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, इस वीडियो में सिर्फ क्रीम फॉर्म की बात करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो टर्बिना फाइन क्रीम है, ये किस क्लास की दवाई होती है, तो फ्रेंड्स ये एंटी फंगल क्लास की मेडिसिन होती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग कहां कहां पे इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक उपयोग है जिसको पाइट्रियासिस बोलते हैं, पाइट्रियासिस वैसिकुलर, दोस्तों उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे छाती, गर्दन, पीठ कि जो त्वचा होती है वो हल्की सी डार्क हो जाती है, तो दोस्तों उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, मतलब डिसकलर्ड पैचेस स्किन पे पड़ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए टर्बिना फाइन क्रीम का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग फंगल नेल इन्फेक्शन, कहने का मतलब है अगर नाखूनों में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग रिंग वॉर्म इन्फेक्शन जैसे कि जॉक इच जो होता है दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। जॉक इच में क्या होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारे जेनाइटल पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है, वहां पे दोस्तों दिक्कत हो जाती है, वहां पे और बटॉक्स जो होता है वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए टर्बिना फाइन क्रीम का उपयोग डॉक्टर करते हैं। दोस्तों इस क्रीम का उपयोग एथलीट फुट को ठीक करने के लिए किया जाता है। एथलीट फुट में क्या होता है, जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनके बीच में सड़न सी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, तो दोस्तों उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी टर्बिना फाइन क्रीम का उपयोग डॉक्टर करते हैं। दोस्तों ये जो टर्बिना फाइन, अगर हम क्रीम या फिर ऑइंटमेंट की बात करें, तो दोस्तों ये जो है वो नेल इन्फेक्शन, अगर नाखूनों का इन्फेक्शन है तो उसमें ये कारगर नहीं होती है क्रीम और ऑइंटमेंट, लेकिन टैबलेट फॉर्म आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपके नेल का इन्फेक्शन है, नेल फंगल इन्फेक्शन है। दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों आप जहां पे इस क्रीम को लगाएंगे वहां पे हल्की सी जलन सी महसूस हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, खुजली हो सकती है और रेडनेस आ सकती है या फिर स्किन पीलिंग। अगर इसके अलावा भी आपको कोई इसका अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो दोस्तों तुरंत इस क्रीम को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू यूज, कैसे आपको उपयोग करना है। तो दोस्तों जहां पे भी आपके फंगल इन्फेक्शन है उसको अच्छी तरीके से साफ पानी से धो लेना है, सुखा लेना है और वहां पे एक पतली परत क्रीम की अप्लाई करना है। दोस्तों ये जो क्रीम है वो ये दिन में एक बार या फिर एक दिन में दो बार लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपका डॉक्टर जिस हिसाब से आपको बताता है उस हिसाब से आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें।
और दोस्तों ये जो क्रीम है ये आपको तभी लाभ देगी, तभी फायदा देगी जब इस क्रीम को आप लगातार एक हफ्ते या फिर दो हफ्ते तक लगातार ठीक करें यूज करेंगे। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने दिनों तक इस क्रीम का उपयोग करना है। लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम केस होते हैं उसमें दो हफ्ते में आराम मिल जाता है, लेकिन इस क्रीम को चार हफ्तों तक भी लगाने की सलाह दी जाती है जब तक आपका इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए। दोस्तों जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें डॉक्टर से पूछकर ही इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है, तो फ्रेंड्स अगर आपको टर्बिना फाइन क्रीम से किसी प्रकार की एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग होने पे अपने डॉक्टर को उसके बारे में बताएं ताकि वो डिसाइड कर सकें कि आपको ये क्रीम रिकमेंड करनी है या फिर नहीं करनी है। दोस्तों वीडियो तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन आशा आपसे यही करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।